सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं महेंद्र कपूर साहब को। आज उनकी जन्मतिथि है और वीडियो में, प्रोमो में जिस तरह से हमने आपसे बात की उसके अनुसार श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं, श्रोताओं की बातें उनकी टिप्पणियों के रूप में आने लगी हैं और अपने अपने मन की बात महेंद्र कपूर साहब के बारे में श्रोता लिख रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि महेंद्र कपूर साहब का कोई भी ऐसा देशभक्ति गीत नहीं होगा जो स्वतंत्रता दिवस समारोह या गणतंत्र दिवस पर बजता नहीं होगा। हम सभी ने स्कूलों के दिनों से, बचपन से इन गीतों को हम सुनते आए हैं। ऐसा लगता है इन देशभक्ति गीतों को सुने बगैर राष्ट्रीय त्योहार अधूरा सा था। वे एक ऐसे गायक थे जो अपनी रोमानियत आवाज से देशभक्ति गीतों में जान फूंक देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब महाभारत सीरियल पर उनकी आवाज आती थी तो गली चौराहे पर खड़े लोग दौड़कर टीवी के पास आकर चिपक जाते थे। चाहे वो फिल्मी गीत हो, भजन हो, देशभक्ति गीत हो, अपनी सफलता के बाद अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मंदिर अपने इष्ट देव के साथ बैठकर साझा किया करते थे और वहीं बैठकर अपनी पुरजोर आवाज में गाया करते थे और उनको भगवान का प्रसाद समझते थे। सच माने तो इनकी आवाज की रेंज इतनी ज्यादा थी कि संगीतकार भी इनकी आवाज को भगवान का ही आशीर्वाद मानते थे। महेंद्र कपूर एक ऐसे गायक का नाम जिनकी गायकी में रेशम की तरह कोमलता और रफी साहब की गायकी का सार था। हमारी श्रोता लिखती हैं, महेंद्र कपूर भारत की जीवंत आवाज थे। उनकी गायकी कभी नीरस नहीं रही। उन्होंने भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और नात गाकर अपने श्रोताओं को विविधता प्रदान की। मराठी श्रोताओं को उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने महान अभिनेता दादा कोंडके की संगीतमय आवाज बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और भी ढेर सारे कमेंट हैं हमारे श्रोताओं के। फिलहाल वक्त है कार्यक्रम के पहले गीत का और जिक्र हुआ है देशभक्ति गीतों का, तो शुरुआत महेंद्र कपूर साहब की आवाज में इसी गीत से करते हैं। फिल्म का नाम है उपकार और इस गीत के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें, आपको बताना है गीतकार और संगीतकार कौन है।
धरती बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। ये रचना गुलचन बावरा की हम सुन रहे थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी दोनों जवाब सही है। महेंद्र कपूर जी के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि महेंद्र कपूर जी ने हर तरह के गीत गाए और देशभक्ति के गीत तो मानो उनकी पहचान बन गए, लेकिन टीवी पर आई महाभारत में उनका गाया अथ श्री महाभारत कथा और ये जो शीर्षक गीत था, इन चंद लाइनों ने हर शख्स के दिलो दिमाग पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज भी बरकरार है। इस आवाज का असर ऐसा था कि आने वाली कई पीढ़ियों में इसने सीख के साथ संस्कारों के भी बीज बो दिए और वे हर घर की आवाज बन गए। एक अन्य श्रोता लिखती हैं कि आज वॉइस ऑफ नेशन महेंद्र कपूर जी की जयंती है। उन्होंने संगीत में अपना गुरु मोहम्मद रफी को बनाया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में वो सफल गायक बने थे। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम गीत, कव्वाली और भक्ति संगीत में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे हरफन मौला कलाकार को नमन। बहुत से श्रोताओं की टिप्पणियां यहां आ रही हैं। फिलहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ये गाना आपको सुनवाते हैं 1970 की एक फिल्म से। इस गीत में महेंद्र कपूर साहब के साथ जो बाकी आवाजें हैं उन्हें पहचानिए। और आपको बता दें ये साहिर लुधियानवी का रचा हुआ गाना है, संगीतकार रवि, और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। बता दें इस फिल्म के निर्माता थे B.R. चोपड़ा, निर्देशक यश चोपड़ा। तो फिल्म का नाम भी बताइए और महेंद्र कपूर के साथ इस गीत में किन कलाकारों की आवाज है उन पार्श्व गायकों के नाम बताइए। करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बरातों में, यारों की बरातों में, हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में, किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नए धूमे मचे नित नए मेले हों, नित नए मेले हों, परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हो, कभी ना अकेले हो, गम की घटाएं हो के खुशियों के रेले हो, खुशियों के रेले हो, दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हो, हम अलबेले हो। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजी आला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में, मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में, झलके हमारा लव कल की बहारों में, कल की बहारों में, अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। सजियों जहां
हमारा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा जी हाँ दोस्तों, ये आदमी और इंसान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जिसमें महेंद्र कपूर के साथ बलबीर और जोगिंदर की आवाजें थी। आपके इन जवाबों के बाद अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपके कमेंट्स। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि महेंद्र कपूर ने बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं और वो एक ऐसे पार्श्व गायक थे जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में गीत गाए थे। मराठी में वो अपनी सभी फिल्मों में दादा कोंडके की आवाज बनने के लिए बहुत लोकप्रिय थे। चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, 1966 की फिल्म यह रात फिर न आएगी से, SH बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। आपको बताना है महेंद्र कपूर साहब ने किस नायक को, किस अभिनेता को अपनी आवाज दी है इस फिल्म में। मेरा प्यार वो है के, और ये अभिनेता किस अभिनेत्री से मुखातिब है ये भी बताइए। जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है के, मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले, खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है, हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है के, मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है।
खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है, यह रात फिर ना आएगी फिल्म का गाना आपने सुना, जो फिल्माया गया फिल्म के नायक विश्वजीत पर, और वो मुखातिब है फिल्म की नायिका अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से। अपनी अपनी तरह से महेंद्र कपूर साहब को याद कर रहे हैं हमारे श्रोता ने, वरिष्ठ श्रोता हैं, लिखते हैं कि महेंद्र मतलब महा इंद्र, एक इंद्र स्वर्ग लोक में है और दूसरे इंद्र पृथ्वी लोक की फिल्मी दुनिया में थे, जो महेंद्र कपूर, जिनकी आवाज में हर तरह के रंगों के साथ कपूर की खुशबू भी समाई हुई, जो पृथ्वी लोक के आकाश में हवाओं के तरंगों पर सवार होकर विविध भारती द्वारा हमारे कर्ण पटल पर सुनाई देती है, इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा जारे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे, ए नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इन गीतों को आपने याद किया है और साथ ही विनम्र नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है महेंद्र कपूर साहब को। और हमारे एक श्रोता का कहना है कि मोहम्मद रफी से प्रभावित होने के कारण महेंद्र कपूर उन्हीं की तरह पार्श्व गायक बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए महेंद्र कपूर मुंबई आ गए। वर्ष 1958 में प्रदर्शित वी शांताराम की फिल्म नवरंग में महेंद्र कपूर ने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में आधा है चंद्रमा रात आधी के बतौर गायक अपनी पहचान बना ली इस गीत से। इसके बाद महेंद्र कपूर ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्मदिन पर इस महान गायक को शत शत नमन। और श्रोताओं, अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो 1965 की फिल्म वक्त से आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज है महेंद्र कपूर साहब के साथ इस गीत में, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि। फिर एक बार आपको बताना है किन कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया। मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। Oh,
अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करे। सही लिखा है श्रोताओं आपने, वक्त फिल्म का ये गाना फिल्माया गया शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर। हमारी एक श्रोता का कमेंट आया है, लिखती हैं कि सुरों से महेंद्र कपूर की मोहब्बत की दास्तान की शुरुआत मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में एक दिन तब हुई जब क्लास में प्रोजेक्टर के जरिए कुछ पढ़ाई के स्लाइड्स दिखाए जाने थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोजेक्टर खराब हो गया। क्लास में छात्र उधम मचाने लगे। शिक्षक ने छात्रों को शांत करने के लिहाज से छात्रों के सामने गीत गाने का प्रस्ताव रखा। महेंद्र कपूर के दोस्तों ने शिक्षक से कहा सर महेंद्र बहुत अच्छा गाता है, बचपन में महेंद्र की मां ने उन्हें गीत संगीत की शिक्षा दी थी। उस दिन कक्षा में माताजी के सिखाए भजन और लोक गीत गाकर सबको प्रभावित करने वाले महेंद्र जी ने फिल्मी गीत में आगे जो मुकाम बनाया वो हम सब जानते हैं। आज भी राष्ट्रीय जलसों की मुख्य आवाज के रूप में महेंद्र कपूर पहचाने जाते हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ये 1967 की फिल्म हमराज का गाना है। हम समझते हैं कि चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी, अपने शुरुआती दिनों में जब बंधन में बंधते हैं तो दोनों में से जो प्रेमी है, जो पति है, वो अपनी पत्नी से, अपनी साथी से ये जरूर कहता है। हमराज फिल्म का ये गाना इसीलिए मशहूर है का आपको बताना है हमराज फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। मैं यूं ही मस्त नगमे में
लुटाता रहूं। अब तक किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तस्वीर हो तुम न समझो, तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता। विविध भारती भी अपने श्रोताओं से यही कहती है। और हमने जो सवाल इस गीत के बारे में आपसे पूछा था, फिल्म हमराज के निर्माता निर्देशक का नाम आपको बताना था, तो बिल्कुल सही आपने लिखा है श्रोताओं, बीआर चोपड़ा सही जवाब है। सुरीले एवं महान गायक महेंद्र कपूर जी को मेरा शत शत नमन। हमारी श्रोता का कमेंट है, लिखती है कि पद्मश्री और कई पुरस्कारों से नवाजे गए महेंद्र कपूर साहब को गीत आधा ए चंद्रमा से पहचान मिली। हमराज, उपकार, निकाह और भी अनेक फिल्मों में गीत गाए, लेकिन इनकी जोशपूर्ण आवाज में तो जैसे देशभक्ति के गीतों के लिए ही बनी है। इनके गीतों को सुनकर देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मारने लगता है। फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत जिसको सुनकर मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। कुछ पंक्तियां जो अमर है, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। चलिए कोशिश करते हैं ये गीत हम इस कार्यक्रम में आपको आगे जरूर सुनाएंगे। बहुत से श्रोताओं ने इस गीत का जिक्र किया है और भी श्रोताओं के कमेंट से। फिलहाल अगले गीत की बारी और ये एक समूह गान है। 1963 की फिल्म है, आपको फिल्म का नाम भी बताना है और गीतकार और संगीतकार के नाम भी आपको बताने हैं। बता दें आपको इस गीत में महेंद्र कपूर के साथ गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं। बताइए किस फिल्म से हमने ये गीत चुना है और रचना किसकी है, संगीतकार कौन है। Thank you.
सुताई तुझसे निहाल गाएंगे। बैनी का हिल भाए मीठी तान सुनाए के ओ मृग नैनी का हिर जाए नैनन बाण चलाए के। ओ मधुबैनी का हिल भाए मीठी तान सुनाए के ओ मृग नैनी का हिर जाए नैनन बाण चलाए के। छा जाए रे हृदय पर छा जाए रे समर समर कर गोरिगमनिया जग जैसे छल जाए रे जग जैसे छल जाए रे। मोहन मंत्र काहे चलाए मधुर मधुर मुस्काए के ओ मृग नैनी काहे रिझाए नैनन बाण चलाए के। तेरी पहचान न पाया जिया मरा अनजान रे जिया मरा अनजान रे तुझसे मेरा नेह सजनिया करुण निछावर प्राण रे करुण निछावर प्राण रे। प्रेम का नाता जोड़ ले तू बत्तियां बीती बिसराए के ओ मृग नैनी अब नर जा तू नैनन बाण चलाए के। लुभाए मीठी तान सुनाए के ओ मृग नैनी काहे रिझाए नैनन बाण चलाए के। जी हाँ दोस्तों, ये गीत महेंद्र कपूर, गीता दत्त और साथियों की आवाजों में हम सुन रहे थे गोदान फिल्म से। जवाब सही है और इस गीत के रचनाकार यानी गीतकार अनजान संगीतकार पंडित रवि शंकर, दोनों जवाब सही है। महेंद्र कपूर जी अपनी अलग आवाज की जादूगरी के लिए जाने जाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, उन्होंने जितने भी गीत गाए सब गीत बहुत लोकप्रिय रहे और वही बात के देशभक्ति
गीतों की जब बात आती है तो केवल एक ही नाम याद आता है, महेंद्र कपूर। और हमारी एक वरिष्ठ श्रोता है और याद कर रही है महेंद्र कपूर साहब के गाए अनसुने कम सुने गीतों को, जिसमें कल्पना के घन बरसते ये गीत अमर ज्योति फिल्म से, झुक झुक झोला ये दूसरा गीत भी आपने याद किया है, दो बहनें फिल्म का नाम, और तीसरा गीत जो है वही हम आपको सुनवाने वाले हैं। श्रोताओं के लिए सवाल केवल इतना है, ये किस फिल्म का गाना है? सही जवाब है श्रोताओं आपका, बदलते रिश्ते फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक और ऐसा गाना जो बाकी गीतों की बनिस्बत कम सुनाई देता है, गीत आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले बताएं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि महेंद्र कपूर का नाम सुनते ही जहन में उनकी दो विशेषताएं याद आ जाती हैं, एक देशभक्ति या वीर रस के गीत और दूसरा उनका स्वर जो ऊंचाई पर ले जाने की कला। आवाज को ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता के कारण ही महेंद्र कपूर को पहले गाने चांद छुपा और तारे डूबे से ही रातों रात प्रसिद्धि मिल गई। इसके विपरीत सौम्य स्वर में उनके गाए हुए गीतों का भी जवाब नहीं है, मसलन फिल्म धर्मपुत्र का भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें, या फिर फिल्म स्त्री का गीत कौन हो तुम कौन हो। और भी गीतों का आपने जिक्र किया है और ये भी आपको बताएं, अगर संगीत की यानी शास्त्रीय संगीत की भाषा में बात की जाए तो तीनों सप्तकों में बड़ी सहजता के साथ, मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में उनकी आवाज बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से जो है वो गा सकते थे, ये उनकी खूबी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये गाना आप सुनने वाले हैं
बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गीत सुनिए, आपने गीत सुना होगा। और गीतकार आपको बता दें, नीरज हैं, संगीतकार शिवराम। ये किस फिल्म का गाना है? नमामि ब्रह्मा, नमामि विष्णु, नमामि महेश्वरा, नाचो रस बरसी बरसे, तुम नाचो रस बरसी बरसे, तुम नाचो रस बरसे, भीगे आंचल, भीगे नैना, भीगे काजल, प्राण प्राण तरसे, तुम नाचो रस बरसे बरसे, तुम नाचो रस बरसे बरसे, तुम नाचो रस बरसे, गरे सानी नीरे मागा पमा मरे धप धमा प मरे ग सागरे नी पप नीरे पमा मरे पमा धप नी धमरे सा उड़े गंध स्वर दिशा दिशा में भेद रहे ना उषा निशा में भुवन भुवन सर से तुम नाचो रस बरसे बरसे तुम नाचो रस बरसे। बिल्कुल सही आपने पहचाना है श्रोताओं, सती नारी फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और अब तुरंत ही अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं 1966 की फिल्म सावन की घटा से ये गीत। एसएच बिहारी के बोल ओपन ईयर का संगीत। आपको बताना है किस कलाकार पर, किस अभिनेता पर ये गीत फिल्माया गया है। मेरे जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, नहीं मेरी जिंदगी को के तरस रहा हूं कब से, मैं तुम्हारी रोशनी को मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो।
परफेक्ट आंसर आप सभी की ओर से। जी हां, मनोज कुमार पर फिल्माया गया सावन की घटा फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम में अगला गाना जो आपको सुनवा रहे हैं, हमने जैसे कहा कि हर तरह के गीत महेंद्र कपूर साहब ने गाए हैं, तो ये एक मजाहिया अंदाज का गाना है। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और इस गीत में महेंद्र कपूर के साथ कौन सी आवाजें हैं, कौन से पार्श्व गायक की आवाजें हैं, ये भी बताने हैं। आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत, आपको बताइए किस फिल्म का गाना है और महेंद्र कपूर साहब के साथ किसकी आवाजें हैं। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, हाँ गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ ढोलक इसे बनाओ। देखे हो क्या ये लेकर, ये घर भैया है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए, तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हथकड़ी हो तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहालो, दो चार गीत गालो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशरम हो, बच्चों से कोई कम हो, मम्मी को तो लड़ने को बहाना चाहिए। शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, हाँ गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ए, ओ, 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 जी हाँ, बिल्कुल सही आपने लिखा है। फिल्म का नाम पति पत्नी और वो, और इस गीत में महेंद्र कपूर के साथ आवाजें हम सुन रहे थे आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठ की। चलिए श्रोताओं, तुरंत अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। इस गीत को भी हमारे कई श्रोताओं ने अपने कमेंट्स में याद किया है। 1982 की फिल्म निकाह से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों की में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते
हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। हसन कमाल का रचा हुआ ये गीत था फिल्म निकाह से, संगीतकार रवि। और अब जैसा हमने आपसे वादा किया था कि फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, तो कार्यक्रम की अंत में ये गीत आपके लिए आ रहा है। रचना इंदिवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आपको बताना है फिल्म पूरब और पश्चिम के निर्माता निर्देशक का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिल्म पूरब और पश्चिम के निर्माता निर्देशक अभिनेता मनोज कुमार।
श्रोताओं, बहुत से लोकप्रिय गीत महेंद्र कपूर साहब के हमने चुन रखे थे आज के लिए, मगर समय अभाव के कारण अब रुकना होगा। आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियों के द्वारा शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर को, नमस्कार।